नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। तामिया बनेगा पर्यटन स्थल कमलनाथ। जी हां, सीएम कमलनाथ ने तामिया ब्लॉक कॉलोनी स्थित सिरेने डीपीटी लेक्स एंड रिसोर्ट का शुभारंभ किया। तत्पश्चात माता मंदिर के पीछे सांस्कृतिक कला मंच में आम सभा को संबोधित कर महाशिवरात्रि की शुभकामना मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दी गई। उन्होंने संबोधित कर बताया कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, तामिया पर्यटन की दृष्टि से अमूल्य धरोहर है। मेरा तामिया और छिंदवाड़ा से बहुत पुराना रिश्ता है। 40 साल पहले ही छिंदवाड़ा का परिदृश्य वर्तमान तामिया सहित जिले से काफी भिन्न है। युवाओं को किस प्रकार रोजगार के अवसर कैसे मिले यह उपलब्ध कराए जाएंगे, आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा के क्षेत्र का विकास मुख्य चुनौती है। इससे निपटने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी तो है, पर आज छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मेरे बेटे नकुलनाथ को सौंपा है। पूरे प्रदेश में तामिया को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। वहीं सांसद नकुलनाथ ने जनुनार देव विधानसभा के पर्यटन क्षेत्र, अनहोनी नागदेव मंदिर, विशाल मंदिर पर्यटन में घोषित की। मांग के मुख्यमंत्री से की, वहीं तत्काल मुख्यमंत्री के द्वारा 4 करोड़ की राशि की घोषणा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक सुनील उइके पाडुन्ना से, नीलेश उइके चोरई, विधायक सुजीत चौधरी, ताम्या पर्यवेक्षक जमील खान, कमल राय पर्यवेक्षक, छिंदी ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन साहू, इंद्र कुमार उमराव साह उइके मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता भगवान दास उइके की रिपोर्ट। आपकी मांग है इसीलिए मैं स्वीकार करूंगा, अगर नकुल की मांग होती मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये आपकी मांग है और इन सब के लिए मैं चाहता हूं अपना अनहोनी भी एक पर्यटन स्थल बने। मैं चाहता हूं लोगों की गाड़ियां लग जाए। आदरणीय नकुलनाथ जी का आभार है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। तामिया की धरती पर भाई साहब से मेरा निवेदन है कि